कोरोना पीरियड में आदमी के लाइफ स्टाइल में एक बदलाव आया था। कोरोना की वजह से जब देश में लॉकडाउन लगा तो इसका असर दुमका में भी देखने को मिला। हम अभी दुमका के समरणालय भवन में खड़े हैं और समरणालय भवन के नीचे जो आपको भीड़ नज़र आ रही है, जो युवा नज़र आ रहे हैं, ये वैसे युवा हैं, ये होम डिलीवरी करने वाले युवा हैं। ये युवा जब दुमका में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा तो यहाँ पर भी प्रथम बार में जो होम डिलीवरी का जो एक सिस्टम है, एक जो काम है जो चालू हुआ, और उस होम डिलीवरी में लगे लोग हैं ये लड़के, राइडर कहलाते हैं ये। ये आपकी डिलीवरी पे आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं। दुमका में एक ऐप अर्बन स्टॉल ऐप काफ़ी चर्चा में आया और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। ये सारे लड़के उसी ऐप के हैं। इनका आरोप है कि जो ऐप के संचालक हैं इनका पैसा इन्हें नहीं दे रहे हैं और ऐप भी पिछले दो दिन से बंद है। हमारे साथ एक हैं ऑपरेटर हैं, क्या नाम है आपका? फिलिप मरांडी जी, एक बात बताइएगा, आप लोग आज डीसी कार्यालय आए हुए, क्या वजह है जो यहाँ है? कि हम लोग का पेमेंट एक मास महीना से रुका हुआ है, ठीक है। फिर भी अब दो तारीख था, दो तारीख के बाद अब 10 तारीख हो गया जब पेमेंट देने का बात किया हुआ था, तो अब तक नहीं मिला है। तो इसी का आप लोग उचित कार्रवाई कर दीजिएगा। तो इसीलिए डीसी से मिलने आए कि वो आप लोगों का वेतन दिलवाएं? वेतन दिलवाए। हमारे साथ और एक भाई हैं, क्या नाम है बाबू आपका? सिनु कुमार। सिनु कुमार, तुम कब से काम कर रहे हो इसमें? मेरा लगभग हो गया 3 महीने, 3 से 3.5 महीने हो गया। 3 से 3.5 महीने। हाँ। पहले क्या करते थे? पहले कुछ नहीं, वही पढ़ाई लिखाई कुछ करते थे। तो अभी फिलहाल काम पकड़ लिए तो सोचे, यहाँ दोस्त लोग बोला कि अच्छा मिल रहा है वेतन और काम भी अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पकड़ लिए हम काम यहाँ। तो अभी 1 महीना से यहाँ वेतन नहीं दे रहा है और ऊपर से अभी ऐप 2 दिन से बंद रखा है। और तो दुमका में जो लोग तुमको रखे थे इस काम पे, उनसे जब पैसा मांगते हो, ऐप बंद हो गया, तो उसका क्या करना? उसका कहना यही है कि ऊपर से पैसा भेज नहीं रहा है कुछ, और वो मुंबई पैसा यहाँ से पैसा लेके भाग गया है मुंबई, उसको खोजने कहाँ जाएंगे? 1 महीना से पैसा नहीं दे रहा है, आज 10 तारीख हो गया है, उतना दिन से बोल रहे तो ऐप बंद करके रखा है और पेड ऑर्डर सिर्फ दे रहा है। पेड ऑर्डर हम लोग कहाँ से पैसा उठाएंगे, वहाँ से अपने हम लोग पैसा भर रहे हैं, सिर्फ पेड ऑर्डर दे रहा है, सीओडी बंद रखा है और अभी 2 दिन से ऐप बंद है। प्राइस ऑर्डर आ रहा था, पेड आ रहा था, पेड ऑर्डर आ रहा था, सीओडी बंद रखा है, सब पैसा उसके पास जा रहा है, हम लोग पास 1 रुपया भी नहीं आ रहा, तेल कहाँ से भरे ये ऐसे। इसलिए अभी 2 दिन से वो अभी ऑफ रखा है ड्यूटी में, कुछ नहीं, ऐप बंद रखा है अभी 2 दिन से। कितना पैसा देते थे तुम लोगों को? हम लोग को वही तो 12,000 दे देता था महीना का, अभी नहीं दे रहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। तो प्रदीप, तुम कब से काम कर रहे हो? मेरा लगभग 4 महीना हो चुका है काम किया हुआ। पहले हम लोग का सारा चीज़ इधर ठीक था, लेकिन इस मंथ से हम लोग का पैसा नहीं दे रहा, और जब हम लोग का पैसा का मतलब कि टाइम आया देने का, उस टाइम हम सीओडी ब्लॉक कर दिया और सिर्फ पैड ऑर्डर आ रहा ताकि हम लोग पैसा ना उठा पाएँ। और हम लोग अगर पैसा ये सीओडी बंद करके रखेगा तो हम लोग कहाँ से पैसा भरेंगे, तेल भरेंगे? मान लीजिए हम लोग का पंक्चर हो गया गाड़ी, तो कुछ हो गया रास्ता में, तो हम लोग का पैसा कौन भरेगा? एक डिलीवरी पे कितना पैसा? 25 रुपये हम लोग को मिलता था। 25 रुपये में तेल भी भराना है, उसी में भराना है, उसी में मुझे हम लोग का कुछ हो गया, उस वो 25 रुपये हम लोग का नुकसान है। मान लीजिए हम लोग राइडर है, थोड़ा हम लोग का ऑर्डर का प्रेशर रहता है, ज़्यादा स्पीड में जाते हैं, मान लीजिए हम लोग ठोका गए, कुछ हो गए, अब मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हम अब क्या कर सकते हैं? और अभी मेरा कितना पैसा निकल रहा है? मेरा करीब निकल रहा है करीब 5 से 6 हज़ार का आसपास निकल रहा है। 5 से 6 हज़ार पैसा। तो आपने सुना कि जो यहाँ पे युवा हैं, ये राइडर हैं और अर्बन स्टॉल के लिए काम करते हैं, केंद्र सरकार की एक योजना थी कि डिजिटल इंडिया का बात हो और उस डिजिटल इंडिया के धारणा में ही ऑनलाइन शॉप और ऑनलाइन डिलीवरी की बात आई है। अब जिस तरह से युवा इसमें ठगी के शिकार हो रहे हैं, इनसे काम करा लिया जा रहा है और काम कराने वाले लोग बम्बई में बैठे हैं, ऐसे में इसकी इनके पैसे दिलाने की जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है, जिला प्रशासन की बनती है। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।